हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस या क्लासेस। दिस इज राजेश, योर साइंस टीचर। बच्चों, काफ़ी दिनों से वीडियो इस चैनल पे नहीं जा रही थी, तो आज से हम लोग फिर से नए ऊर्जा के साथ आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी करेंगे, साथ साथ कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी हम लोग करेंगे। तो चलिए, आज की वीडियो में हम लोग साइंस का जो पहला चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है, उस चैप्टर का हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, और ये सारे के सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और सारे प्रश्न का अभ्यास जरूर कीजिएगा। तो चलिए, आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी हमारे शरीर के अंदर जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो कैसी अभिक्रिया है। तो बच्चों, इसका सही उत्तर है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो आप जानते हो ना कि अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक होती है ऊष्मा शोषी और दूसरा होता है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा अभिक्रिया के फलस्वरूप निकलता है, और ऊष्मा शोषी में ऊर्जा खर्च होती है, यानी ऊर्जा का अवशोषण होता है, एनर्जी का अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो बच्चों, श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी श्वसन में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ इस अभिक्रिया में एनर्जी या ऊर्जा बाहर निकलती है, इसलिए यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी कहलाएगी। तो चाहे ऑप्शन में कुछ भी हो, आपको सही आंसर याद रखना है ऊष्माक्षेपी। इसलिए मैंने सारे प्रश्न में डायरेक्ट आंसर को लिखा है, चाहे आपके आसपास जितने भी ऑप्शंस हो, ए बी सी डी में जो भी ऑप्शंस हो, आपको सही उत्तर को ढूंढ लेना है। तो चलिए, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। बच्चों, सिल्वर क्लोराइड का कैसा रंग होता है? आंसर में आपके पास बहुत सारा ऑप्शन होगा, चाहे वो सफ़ेद हो सकता है, पीला हो सकता है, काला हो सकता है, हरा हो सकता है। आपका जो सही जवाब है वो है सफ़ेद, यानी श्वेत, जिसे हम लोग इंग्लिश में वाइट कहते हैं। तो बच्चों, सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होगा वो सफ़ेद होगा। ठीक है, तो चलिए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। हाँ बच्चों, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। किस कलर का होता है फेरस सल्फेट का क्रिस्टल? तो बच्चों, आप आंसर याद करोगे, ग्रीन, यानी हरे रंग का होता है। जो भी हम लोग प्रयोगशाला में फेरस सल्फेट का क्रिस्टल देखते हैं वह हरे रंग का होता है, और हरे रंग पे ही हम लोग निशान लगाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनने की अभिक्रिया क्या कहलाती है? बच्चों, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनने की क्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को कहते हैं। बच्चों, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को हम लोग संक्षारण कहते हैं, यानी कोरोजन कहते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि लोहा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, नमी के उपस्थिति में, मॉइस्चर के उपस्थिति में बच्चों जंग का निर्माण करता है, यानी लोहे में रस्टिंग होती है। तो लोहे पर जंग लगने की क्रिया को हम लोग संक्षारण या कोरोजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं, CaCO3 को कहते हैं, क्या कहते हैं?
इसका सही आंसर याद कर लीजिएगा, इसे हम चौक भी कहते हैं, इसे हम संगमरमर भी कहते हैं और इसे हम चूना पत्थर भी कहते हैं और इसे खड़िया भी कहते हैं। बच्चों याद रखोगे, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं और ऑप्शन में सारे आंसर लिखे रहते हैं और एक ऑप्शन दिया रहेगा इसमें से सभी, तो आप वैसे सभी आंसर को याद कर लीजिए ताकि ऑप्शन के अनुसार आप उत्तर दे सकें। इसे हम लोग चौक भी कहते हैं जो कि हम लोग ब्लैक बोर्ड पे यूज़ करते हैं, ग्रीन बोर्ड पे यूज़ करते हैं। इसे हम मार्बल या संगमरमर भी कहते हैं और इसे चूना पत्थर भी कहते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या क्या कहते हैं ये आप याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, दीवारों पर सफ़ेदी कराने के लिए प्रयोग होता है। तो बच्चों दीवारों पर सफ़ेदी कराने के लिए जो हम रसायन यूज करते हैं उसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जी हाँ बच्चों, जो हम लोग दीवारों पर सफ़ेदी कराते हैं, वाइट वॉशिंग कराते हैं, उस रसायन का, उस केमिकल का नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर जिसका नाम होता है। तो हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। अगला है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, नीला थोथा यानी तूतिया का रासायनिक सूत्र है। तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों? तूतिया जिसे हम नीला थोथा यानी ब्लू विट्रोल भी कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4.5H2O यानी कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। इसका नाम याद रखोगे आप, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। पेंटा इसलिए क्योंकि यह 5H2O उपस्थित है। ऐसे जल को हम लोग कहते हैं रवाकरण के जल। तो याद रखिएगा, जितने भी लवण है उस लवण के लास्ट में जो वाटर लगा होगा उस वाटर को हम लोग कहते हैं रवाकरण के जल। ठीक है बच्चों, तो कॉपर सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र है वह है CuSO4.5H2O। और हाँ, आप एक बात याद रखोगे, जब भी हम लोग कॉपर सल्फेट को गर्म करते हैं बच्चों तो इसका रंग जो है वाइट हो जाता है, यानी कॉपर सल्फेट का जब क्रिस्टल होगा वह क्रिस्टल नीले कलर का होता है बच्चों, हल्का आसमानी कलर का होता है। लेकिन जैसे ही आप इसे स्प्रिट लैम्प के ऊपर गर्म करते हैं तो इसका रंग जो है सफ़ेद हो जाता है। तो आप याद कर लोगे, नीला थोथा यानी तूतिया का रासायनिक सूत्र CuSO4.5H2O होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, उपचयन को रोकने वाले पदार्थ कहलाते हैं। बच्चों उपचयन को रोकने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर है प्रतिउपचायक, जिसे हम लोग इंग्लिश में एंटीऑक्सीडेंट भी कहते हैं। यानी बच्चों उपचयन को रोकने के लिए हम जिस रसायन का प्रयोग करते हैं वह रसायन कहलाता है एंटीऑक्सीडेंट यानी प्रतिउपचायक कहते हैं। ठीक है, उपचयन आपको पता है ना किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें किसी भी पदार्थ से ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। और यदि किसी पदार्थ से, किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन का वियोग होता है उस क्रिया को हम लोग उपचयन कहते हैं। तो जरूर याद कर लेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लोहे के संक्षारण में कौन सी अभिक्रिया होती है? जी हाँ बच्चों, लोहा का जो संक्षारण होता है, लोहा का जो क्रोजन होता है वह कौन सी अभिक्रिया है? तो बच्चों इसका सही उत्तर है ऑक्सीकरण या उपचयन। यानी जो भी आयरन हम देखते हैं अपने आसपास, चाहे घर के छतों पे या घर के बाहर, तो आयरन जो है ऑक्सीजन और नमी के कारण धीरे धीरे उसकी परत जो है हटती जाती है। यानी लोहे के सबसे ऊपरी परत धीरे धीरे खंडित होती जाती हैं, इस क्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। तो इस क्रिया को हम लोग
ऑक्सीकरण प्रक्रिया द्वारा यह होता है। याद रखिएगा, लोहे के संक्षारण में जो अभिक्रिया संपन्न होती है, जिस अभिक्रिया के कारण उसका संक्षारण होता है, उसे हम ऑक्सीकरण या उपचयन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है? जी हाँ बच्चों, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है? इसका सही उत्तर है नाइट्रोजन गैस। याद रखोगे, जो भी हम लोग चिप्स खाते हैं या कुरकुरे वगैरह खाते हैं, उन सभी चिप्स में, उन सभी नमकीन के पैकेटों में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। और यह नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है बच्चों? ताकि उसका ऑक्सीकरण या उपचयन न हो, क्योंकि वह पदार्थ तेल या वसा से मिलकर बना होता है, तो उसके ऑक्सीकरण को रोकने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, चीनी का सूत्र क्या होता है? बच्चों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चीनी का सूत्र क्या होता है, चीनी का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है। तो आप याद जरूर किए होंगे, इसका सूत्र है C12H22 and O11, यानी C12H22O11 यानी O11, ठीक है। तो याद रखोगे, कार्बन इसमें 12 होता है, हाइड्रोजन 22 होता है और ऑक्सीजन 11 होता है। तो याद करने का तरीका काफी आसान है, आप पीछे से याद करोगे, ऑक्सीजन 11, इसके बाद तुरंत हाइड्रोजन उसका डबल होता है 22, और चूंकि ऑक्सीजन 11 है तो कार्बन उधर 12 होगा। तो एक ट्रिक बनाकर आप इसे याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है बच्चों, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र यानी मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 14, वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित करता है। जी हाँ बच्चों, आपने रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को पढ़ा होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है बच्चों जिसमें एक सक्रिय तत्व दूसरे कम सक्रिय तत्व को विस्थापित कर देता है। इस अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और बच्चों अगला जो सवाल है 15 नंबर, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? जी हाँ बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? तो बच्चों यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। क्योंकि आपने पढ़ा है रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें अस्थाई परिवर्तन होता है और इस परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं, जबकि भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। तो बच्चों ये 15 क्वेश्चंस आपके इम्पॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन के लिए, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो इन सभी प्रश्नों का अभ्यास करें और हम लोग मिलते हैं इसी चैप्टर के अगले वीडियो में, जहां हम लोग पार्ट 2 स्टडी करेंगे और वहां हम लोग पुनः इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, हर एक प्रश्न का अभ्यास कीजिएगा। और वैसे बच्चे जो मेरे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।